सिंह जी के साथ काम कर रहे हैं, अभी कैसा लग रहा है? कहीं ना कहीं खेसारी लाल जी का नाम मिसिंग हो रहा है, उनके लिए गाने कब लिखे? प्रिंस प्रियदर्शी इसलिए नाम लगाया था कि पापा को ये ना पता चले कि मैं गाना लिख रहा हूँ। पापा से मजाक नहीं, पापा से मजाक नहीं। गर्व होता है कि भाई भोजपुरी भी इस मुकाम पे पहुंचा आज, इतना पहले लोग मुंह छुपा घूमते थे, हम भोजपुरी राइटर हैं। पहले पवन सिंह जी का गाना करंट लॉन्च हुआ, खेसारी लाल यादव जी लाइव आए थे, उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूँ पवन भैया भी कल लाइव आएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। भोजपुरी में सबसे हॉट हीरो कौन सा है? पवन सिंह, खेसारी लाल, रितेश पांडे, श्रेया सिंह, काजल राघवानी, आकांक्षा दुर्गा। दोस्तों, मैं विशाल आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं द बिहारी गाइस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हमारे साथ है भोजपुरी के उभरते हुए राइटर प्रिंस प्रियदर्शी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्ते सब देखने वाले आपके भोजपुरी द बिहारी गाई वाले सारे श्रोतागण को, मेरा प्रिंस प्रियदर्शी का प्रणाम नमस्कार, और आशा करता हूं कि आप लोग अपना आशीर्वाद और स्नेह जैसे दे रहे हैं वैसे ही देते रहेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपके जो सॉन्ग्स सुपर डुपर हिट हो रहे हैं उसके लिए, कुमार वाला डीपी हो गया, नजरिया ना लगे, इन सब गानों के सक्सेस पे आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और विशाल जी, और मैं तो धन्यवाद दर्शकों का करना चाहूँगा जिनके प्यार और आशीर्वाद के बदौलत कोई भी आगे बढ़ता है। जैसे बहुत सारे सवाल हैं हमारे दर्शकों के दिमाग में भी, मेरे भी दिमाग में चल रहा था। जी जी। जैसे आपने गाना लिखा कुमार वाला डीपी लगा, ठीक है, और नजरिया ना लगे, तो इसमें से कौन सा इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, मतलब किसने आपको? इंसिडेंट क्या होता है, आजकल आप देख रहे हैं कि हमारी संस्कृति में जो हम लोग जहाँ रहते हैं अपने बिहार में, अपने यूपी में, आजकल शादी होके लोग का आ रहा है, औरतों का शादी होके आ रहा है, उसके बाद वो सिंदूर करना, ये सब दिखावा करना नहीं चाहती है कि मेरा शादीशुदा हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। बस वो जानना चाहती है कि मैं भी अभी कुंवार हूँ, मैं भी अभी फिट दिखती हूँ, मैं भी सुंदर दिखती हूँ, है ना। तो मेरे दिमाग में ये है कि मतलब देख रहा हूँ कि बहुत लोग पहले वाला ही डीपी लगा रहा है, अरे यार अब शादीशुदा हो गई तो अब शादी बाद भी डीपी लगा सकती हैं। मुझे एक भौजी ने लूटा है, अगर लड़के धोखे में ही रह जाएंगे ना कि इनका शादी हुआ है कि नहीं, लड़का तो लाइन मारना चालू ही करेगा। तो वही अब भाभी हैं तो भाभी बात करना, तो ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगी बात, वो भी तो इग्नोर करेंगे। मैं भी अब लड़का तारीफ कर दिया कि हाँ अरे अब बहुत सुंदर दिख रही हैं, अरे वो भी प्यार मोहब्बत बढ़ा। अब जब आगे चल के वो उसको पता चला कि उनका शादी शुदा है तो उसमें क्या बीतती है, क्या वही गाना है। और ये सब तो चीजें थी हंसी मजाक वाली बातें। खैर, फिलहाल हम लोग चलेंगे, थोड़ा अपने बारे में आप बताइए कि आप प्रॉपर कहाँ से बिलोंग करते हैं, कब से स्टार्ट किया आपने? मैं मसरक में एक गाँव है देवरिया, वहाँ से बिलोंग करता हूँ, और छपरा जिला में पड़ता है। मैं भी छपरा, और आप भी छपरा से ही हैं, तो मैं छपरा जिला के मसरक गाँव देवरिया में मेरा गाँव है, घर है। और ये गाना लिखना मेरे अंदर पहले से ही था कि मैं सुनता था गाना तो मैं सोचता था कि अरे मैं पवन भैया के लिए लिखूं, वो तो सबका सपना रहता है। मेरा तो इतना भी था कि मैं कल्लू भैया के लिए लिखूं, इनके लिए लिखूं, उनके लिए, सबको मतलब देखता था जिसको, अरे मैं भी लिखता, मेरा भी नाम आता, मेरा भी नाम गाने में आता। प्रिंस प्रियदर्शी इसलिए नाम लगाया था कि पापा को ये ना पता चले कि मैं गाना लिख रहा हूं, तो प्रियदर्शी कौन है, प्रियदर्शी तो कोई जानेगा ही नहीं। वैसे मैं प्रिंस मजाक नहीं, पापा से मजाक नहीं, प्रिंस कुमार सिंह वैसे मेरा टाइटल है जी। तो मैंने प्रिंस प्रियदर्शी लिखा कि पापा को पता ना चले। और जब मैंने अंतरा सिंह प्रियंका जी को गाना दिया था, एक 22 मिलियन चला गया था नए चैनल पे, उसके बाद से तो लोग जान ही गए। और आज तो सबसे कल्लू भैया से, पवन भैया से सबका गाना आता ही है, आप देख लिए। अभी हाल फिलहाल में गाया है रील वाली दिल ले गई, उसका भी अच्छा खासा प्यार मिला था एक दिन में, मतलब कल्लू भैया गाना है, रील वाली दिल ले गई। अच्छा, जैसे अभी आपने बात की पवन सिंह जी, अरविंद अकेला, कल्लू जी की बात की, कहीं ना कहीं खेसारी लाल जी का नाम मिसिंग हो रहा है, उनके लिए गाने कब लिखे? उनके लिए भी मैंने एक गाना लिखा है, और वो भी गाना आ रहा है बहुत जल्द, और वो भी डांसिंग टाइप में सॉन्ग है, वो भी आ रहा है। मैं सबके लिए काम कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं है, लेकिन जिनसे पहचान मिला है, जिनसे नाम मिला है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले मेरा गाना अरविंद अकेला कल्लू भैया ने गाया था, छोड़ी के चल जाए वो गोरी मोर साथ मजनुआ नाथ हो जाए, होली में था वो भी बहुत ही। मैं ज़्यादा करके कॉमेडी सॉन्ग ही लिखना पसंद करता हूँ जिसमें आप सबको हंसी और फुल इंटरटेन हो। उसके बाद पवन भैया से मुझे नाम पहचान मिला, जो आप लोग जान रहे हैं आज, करिया सरिया कुंवर वाले डीपी, इतिहास रच दिया अच्छा खासा। पवन सिंह जी के साथ काम कर रहे हैं, अभी कैसा लग रहा है? पवन भैया के साथ काम करना सबका सपना होता है, और सपना पूरा हो जाए तो आप बताइए कैसा लगता है, कोई भी सोच सकता है। और इतना प्राउड फील करता हूँ कि मतलब क्या बोलूँ। इनसे आप देख ही रहे थे जब से पुदीना आया और ये सब गाना आया भोजपुरी के, में आप ट्रेंडिंग लिस्ट में क्या, मतलब यूट्यूब के पूरे ट्रेंडिंग लिस्ट में आप भोजपुरी देखते होंगे, वो चाहे किसी भी सिंगर का हो भोजपुरी से, चाहे पवन भैया का हो, चाहे किसी भी का हो, है ना। तो इससे हम लोगों को गर्व होता है कि भाई भोजपुरी भी इस मुकाम पे पहुंचा आज, इतना
आगे बढ़ रहा है भोजपुरी, तो उसमें काम करने में हम लोग को भी मजा आता है, गर्व फील होता है, हम भी भोजपुरी राइटर हैं, हम भी पहले लोग मुंह छुपा घूमते थे, हम भोजपुरी राइटर हैं, है ना। नहीं ऐसी बात नहीं है, भोजपुरी बहुत ही प्यारी भाषा है, कुछ गानों की वजह से पूरे भोजपुरी को हम लोग नहीं कर सकते हैं। अच्छा अभी दो तीन दिन पहले पवन सिंह जी का गाना करंट लॉन्च हुआ, तो खेसारी लाल यादव जी लाइव आए थे, उन्होंने प्रमोट किया और उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूँ पवन भैया भी कल लाइव आएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। देखिए क्या है, आप गा रहे हैं सही है, आप गाना कर रहे हैं सही है, लेकिन भोजपुरी में राजनीति सही नहीं है, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा, आगे आप लोग समझ गए होंगे। भैया राजनीति फाजनीति में ये सब में नहीं रहते हैं, भैया एक अलग किस्म के इंसान हैं, उनका अलग रुतबा है, और उनको आप लाइव नहीं भी आते तो शायद उतना ही व्यू जाता जी, बिल्कुल मुझे इतना उम्मीद है, क्योंकि एक एक फैन के अंदर जो हो गया है ना कि मैं पवन सिंह के गाना ही देखूंगा, मैं खेसारी का गाना ही, वो वही देखेंगे, उनको आप कुछ कर नहीं सकते, आप लाइव आइए चाहे कुछ भी बोल दीजिए आप जी, वो नहीं सुनेंगे। भोजपुरी में सबसे हॉट हीरो कौन सा है, पवन सिंह, खेसारी लाल, रितेश पांडे? आप कुछ भी पूछेंगे इधर, मैं तो मैं पवन सिंह का ही बोलूँगा। और हीरोइन में अक्षरा सिंह, काजल राघवानी, आकांक्षा दुबे? आजकल तो आकांक्षा दुबे ही चल रही हैं, तो आकांक्षा दुबे को ये आप अपना पर्सनल फीलिंग बता रहे हैं या फिर? नहीं नहीं पर्सनल फीलिंग नहीं बता रहा हूँ, आजकल के आप लोगों का जो भाव है। अच्छा आपके आने वाले गाने के बारे में कुछ बताइए। मेरे आने वाले गाने अभी पवन भैया के लोकगीत हैं और खेसारी जी के भी लोकगीत हैं एक। हमारे दर्शकों से क्या कहेंगे जाते जाते? आपके दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि आप लोग जैसे हम मुझे प्यार देते हैं, जैसे बिहारी गाई को प्यार देते हैं, वैसे सब सारे मेहनती कलाकारों को प्यार दीजिए और ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। द बिहारी गाई को 1 मिलियन 1 लाख पहुंचाइए और 1 लाख के बाद 1 मिलियन पहुंचाइए, फिर हम लोग मिलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे बात करके। आप ऐसे ही अच्छे अच्छे और बेहतरीन गाने लिखते रहिए और हमारे दर्शकों को और भी एंटरटेन करते रहिए, आपको फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।